हाय दोस्तों, कैसे हैं? आपके अपने चैनल स्मार्ट स्ट्रीट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोस्तों, मैं भी कोई भी अपडेट लगा लेकर आता हूं तो आपको ट्रिक के साथ तो उस अपडेट को आपके सामने रखता हूं। तो ऐसे ही एक अपडेट हम रासायनिक फसलों के नामों के लिए कर आए हैं। हम सभी रासायनिक फसलों के नामों को ट्रिक के साथ याद करेंगे, और एक बार आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो गारंटी है कि आप लोग रासायनिक फसलों के नामों को कभी नहीं भूलेंगे। और इससे पहले मेरे चैनल में जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ये वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसको शेयर करिएगा, ताकि जो लोग कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो अपनी पढ़ाई से दूर रहते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो वह इस तरह की वीडियो देखकर इसका लाभ उठाएँ जिससे उनको कम्पिटेटिव एग्ज़ाम निकालने में सहायता मिले। तो चलिए देखते हैं कि जो रासायनिक फसलों के नाम हैं उनको हम ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं फसलों का रासायनिक नाम। पहला है अपना पालक का रासायनिक नाम क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पालक का रासायनिक नाम होता है स्पेनेशिया, है ना, स्पेनेशिया होता है। तो हमारी यहाँ पर ट्रिक क्या बनती है, देख रहे हैं पालक का रासायनिक नाम स्पेनेशिया होता है ना, तो हमारी फिर ट्रिक बन रही है पालक। तो अपन को दो देश पता है, पहला तो स्पेन, इसको यहाँ से स्पेन को रिलेट करिए, ठीक है, स्पेन रिलेट करिए, और एशिया को रिलेट करिए, एशिया महाद्वीप है अपना, और स्पेन क्या है, कंट्री है। तो स्पेन और एशिया मिलाकर क्या बन गया, स्पेनेशिया। तो पालक का रासायनिक नाम क्या हो गया, स्पेनेशिया, है ना। सरसों, अगला क्या अपना, सरसों का रासायनिक नाम क्या है, बैरेशिया, ठीक है, बैरेशिया यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अपने को याद रखना है, पहला इसमें से एक ही नाम को याद रखना है, बैरेशिया पहला वर्ड है, अब ये इजी है, तो हम बैरेशिया को ही याद करके रखेंगे। जैसे यहाँ पर पालक में हम स्पेनेशिया को याद करके रख रहे थे, है ना। तो अपनी ट्रिक बनी थी स्पेन और एशिया, स्पेन देश और एशिया महाद्वीप, स्पेनेशिया हो गया। सरसों, इसी तरह यहाँ पर सरसों का रासायनिक नाम क्या है, बैरेशिया, यहाँ पर हम बैरेशिया में रिलेट करेंगे ब्राज़ील से, तो BRA हो गया, ठीक है इसका, और प्लस एशिया, ठीक है। तो सरसों का रासायनिक नाम क्या निकल के आया, बैरेशिया, है ना। तो अगर कोई सरसों अगर पूछा जाएगा पेपर में कि सरसों का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, ब्राज़ील और एशिया, तो मिलकर क्या हो जाएंगे, बैरेशिया, ठीक है। अगली ट्रिक क्या अपने के लिए देखते हैं, ज्वार, देख रहे हैं अगला क्या है अपना, ज्वार का रासायनिक नाम क्या है, सोरगम वल्गर, ये है अपना। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है, चलिए देखते हैं कि ज्वार खाने से अपने को क्या होता है, सोर होता है। यहाँ पर एक चीज़ ये पकड़ रखी, ज्वार खाने से क्या होता है, सोर होता है, ज्वार खाने से क्या होता है, सोर होता है। तो ज्वार का रासायनिक नाम क्या हो गया, सोरगम वल्गर, ठीक है। अगली ट्रिक क्या बनती है, यहाँ पर देखिए तिल का रासायनिक नाम क्या है, सेसम इंडम, इसकी एक ज़बरदस्त ट्रिक है, आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक क्या है वो। तिल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी इंसान के शरीर में अगर तिल हो जाता है, तो वह तिल अगर मान लीजिए चेहरे पर है, ठीक है, चेहरे पर है, तो वह तिल वह इंसान के अपने चेहरे को देख सकता है अपने, बिना किसी भी एलिमेंट के सहायता से नहीं देख सकता। तो कोई इंसान अगर चेहरे पर, फेस पर तिल है, तो वह तिल किससे देखेगा, इंडम को रिलेट करिए इंडियन से, और सेसम को रिलेट करिए सीसा से। तो वह इंसान अपने चेहरे में तिल को किससे देखेगा, इंडियन सीसा से, सेसम को रिलेट करिए सीसा से, ठीक है, सीसा से रिलेट करिए सीसा से, ठीक है, और सीसा कैसा है, वो इंडियन सीसा है, तो वह तिल इंडियन सीसा से देखेगा अपना। तो तिल का रासायनिक क्या हुआ, सेसम इंडम, ठीक है। अगला ट्रिक है अपनी मक्का का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर GMAIZE है, ठीक है, GMAIZE, ये देख रहे हैं। और इसकी ट्रिक क्या बनती है, चलिए देखते हैं, मक्का को कुछ देर के लिए आप रिलेट करिए कक्का से, ठीक है, कक्का, जो घर में अपने दादा होते हैं, बाबा बब्बा होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कक्का, कोई कोई कक्का बोलता है, कोई कोई बब्बा बोलता है ना, तो यहाँ पर कक्का बोलेंगे, ठीक है। तो कक्का को आप कोई भी अगर कोई उसका पोता है तो क्या बोलेगा, कक्का बोलेगा, कक्का जी बोलेगा ना, कक्का। तो कक्का का रासायनिक नाम क्या हुआ,
कक्का का आखिरी नाम क्या हुआ? कक्का जी, मक्का, कक्का फिंस मक्का, मक्का मीन्स कक्का, कक्का का नाम, कक्का का आसान क्या हुआ? जी, कक्का जी हुआ, ठीक है। या अगला ट्रिक क्या अपनी, मूँगफली, मूँगफली का आसान नाम क्या? आर्चिस हाइपोगारा, हाइपोगारा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका ट्रिक ये है कि आप लोग अगर ट्रेन पर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग ट्रेन पर यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेनों में ज़्यादातर क्या बिकती हैं? मूँगफली बिकती हैं, ठीक है। तो एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, ठीक है। तो एक दोस्त के पास मूँगफली है, ठीक है। तो वह दोस्त तो पहले उस इस वाले दोस्त से, इस वाले पास के पास मूँगफली है, इस वाले इसके पास मूँगफली नहीं है, तो ये वाला दोस्त इससे बोलेगा, हाय हाय मूँगफली देना, मूँगफली। मूँगफली कहाँ पर मिलती है? ट्रेन मिलती है ज़्यादातर। और यात्रा कहाँ दोनों दोस्त कर रहे हैं? ट्रेन में कर रहे हैं, है ना। तो मूँगफली का नाम क्या हो गया? इधर देखिए, हाय, हाय का वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो हाय कहाँ यूज किया जाएगा? ट्रेन में, जब दो दोस्त यात्रा करेंगे और मांगेंगे, एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या मांगेगा? मूँगफली मांगेगा, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादातर मूँगफली ही बिकती है। तो मूँगफली का नाम क्या हो गया? हाइपोगायरा। आप बस मूँगफली में हाय को याद करिए, हाय। चार वर्ड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चार ऑप्शन रहते हैं, तो अगर आपने मूँगफली का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ याद रखना दिमाग में, हाय हाय याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मूँगफली का रासायनिक नाम हाइपोगारा याद आ जाएगा। तो मूँगफली का रासायनिक नाम क्या हुआ? हाइपोगारा, ठीक है। चलिए अगली ट्रिक क्या है इसके देखते हैं। चना, चना का रासायनिक क्या नाम क्या है? शेषर एरेटुनम, है ना। ये देख रहे हैं, चना का रासायनिक शेषम, शेषर एरेटुनम है, है ना। इसकी ट्रिक क्या बनती है, चलिए ये देखते हैं। ये देखिए, चना, चना को रिलेट करिए जाना से, ठीक है, जाना से। कुछ देर के लिए चा भूल जाइए और जा याद करिए आप, जाना, ठीक है। और अरे टूनम को याद पकड़िए, अरे टीना, टीना से, टीना से, ठीक है। अरे टीना, अरे टीना। तो एक मम्मी है और उसकी लड़की का नाम क्या है? टीना है। तो टीना को स्कूल जाना था, तो टीना लेट हो रही थी, तो उसकी मम्मी बोलती है यहाँ पर, अरे 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 हो गया यहाँ से, अरे टीना जाना, मतलब चाना मतलब जाना, अरे टीना जाना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो चना, चना का अगर तो नाम आता है तो क्या याद रखना है? एक टीना नाम की लड़की है और उसको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, तो उसकी मम्मी बोलेगी, अरे टीना मतलब अरे टीना, टीना मतलब अरे टीनम, और जाना मतलब चना, चना चना। तो चना का रासायनिक नाम क्या हो गया? अरे टीनम हो गया, ठीक है, अरे टीनम। अगली ट्रिक क्या अपनी, बाजरा, बाजरा का आप रासायनिक नाम क्या है? पेनेशिटम थाइपोडियम, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इस ट्रिक को देख लेंगे तो कभी ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। बाजरा, बाजरे में रिलेट करिए, पकड़िए बाजार से, बाजार से, ठीक है, बाजरे को रिलेट करिए बाजार से। बाजार से हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो किस में लाते हैं? पन्नी में लाते हैं। तो पेनी सिटम को रिलेट करिए पन्नी, पन्नी मतलब पन्नी से, ठीक है, पन्नी से रिलेट करिए। तो कोई भी चीज़ हम बाजार से खरीद कर लाते हैं तो कहाँ पर लाएंगे? कोई भी चीज़ हाथ में तो लाएंगे नहीं, ज़्यादातर तो पन्नी में ही लाएंगे। तो बाजरे का रासायनिक क्या नाम क्या हो गया? पेनिसिटम। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चार ऑब्जेक्टिव रहते हैं, चार ऑप्शन रहते हैं, तो अगर बाजरा आता है तो समझ जाइए बाजार से आप कोई भी सामान लाएंगे, किस पे लाएंगे? पन्नी में लाएंगे, तो पेनिसिटम मतलब पन्नी, ठीक है, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, बाजरा मतलब पन्नी। अगली ट्रिक क्या अपनी, सोयाबीन, सोयाबीन का रासायनिक नाम क्या है? ग्लैक्सिन मैट, ठीक है। और इसकी ट्रिक आप देखिए क्या बनती है, यहाँ पे कोई भी इंसान जब सोकर उठता है, सोया मैट मतलब फूलना, ठीक है, फूलना, मैट मतलब फूलना, ठीक है। जब कोई भी इंसान सो के उठता है, यहाँ पर सोया लिखा ना, कोई भी इंसान सो के उठता है तो उसके ग्लाय मतलब गाल, गाल, ग्लाय को रिलेट करिए गाल से, ठीक है, गाल से। तो कोई भी इंसान जब सो के उठता है तो उसके ग्लाय मतलब गाल क्या होते हैं? फूल जाते हैं, फूले रहते हैं सो के उठता है तो इंसान, जनरली आपने देखा होगा कोई भी इंसान अब सो के उठता है तो उसके गाल होते हैं वो फूले रहते हैं,
क्योंकि काफ़ी देर तक वो आराम करके उठता है। तो सोयाबीन का मतलब ग्लैक्सिन मैट। कोई भी इंसान सो के उठता है तो उसके गाल क्या होते हैं, फूले हुए रहते हैं। तो अब याद रखिएगा, कोई इंसान जब सो के उठेगा तो उसके गाल क्या होंगे, ग्लैक्सिन मैट मतलब फूले हुए होंगे। क्या होंगे, ग्लाल, गाल मतलब ग्लाय, ग्लाय मतलब गाल, मैट मतलब फूलना। तो सोयाबीन का रासायनिक नाम क्या हुआ, ग्लैक्सिन मैट हुआ। ठीक है, याद रहेगा ना, सोयाबीन का रासायनिक नाम ग्लैक्सिन मैट। टमाटर का रासायनिक नाम क्या है, लाइकोपरकम। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए टमाटर क्या होता है यहाँ पर, अपना लाल होता है, होता है हाँ। और इधर देखिए लाइको, लाय, इसके शुरू में क्या आ रहा है, लाय आ रहा है, ला वर्ड आ रहा है, लाय, लाय को रिलेट करिए कुछ देर के लिए लाल, लाल से, एक ला हाई है और दूसरा लाय मतलब लाल को रिलेट करिए। तो टमाटर कैसा होता है, लाय होता है, लाय लाल होता है टमाटर। टमाटर का नाम क्या, नाम क्या हुआ, लाइकोपरकम हो गया, लाइकोपरकम। ठीक है, भूलेगा नहीं तो, टमाटर का नाम क्या, लाइकोपरकम हो गया। ठीक है, अगली ट्रिक क्या, चलिए देखते हैं, मिर्च, मिर्च का रासायनिक नाम क्या है, कैप्सिकम स्पाइसी, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं, ये है कि कैपेसिकम, कैपेसिकम को रिलेट करिए कैपेसिटी से, कैपेसिटी से रिलेट करिए। ठीक है, और मिर्च, मिर्च क्या होती है, तीखी होती है, पता है, स्पाइसी, स्पाइसी को बोलते हैं हिंदी में तीखा, इंग्लिश में क्या होता है, तीखा होता है। तो मिर्च खाने की सबकी कैपेसिटी नहीं होती, जो मिर्च तीखी होती है उसको खाने की सबके पास क्या होती है, कैपेसिटी नहीं होती है, कैपेसिकम, कैपेसिटी रिलेट करिए कैपेसिटी से, मतलब मिर्च, अगर कोई भी मिर्च तीखी होगी, लाल होगी, तो उस मिर्च को खाने के लिए सबकी कैपेसिटी क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी खाने के लिए, कैपेसिटी, तो मतलब कैपेसिकम। मिर्च का रासायनिक नाम क्या हुआ, कैपेसिकम स्पाइसी। संतरा का अगला देखते हैं, संतरा का रासायनिक नाम क्या है, सिट्रस रेटिकुलाटा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि संतरा का रासायनिक नाम क्या है, सिट्रस। आपको पता होगा कि संतरा जो होता है उसकी जो छिलके होते हैं उस पर क्या निकलते हैं, रस निकलता है ना। तो बस अपन यहीं से उस संतरे को कोरिलेट करेंगे रस से, रस से एक ट्रिक निकालेंगे अपन, सिट्रस, ये रस आ रहा है, आ रहा है रस, तो सिट्रस, तो उसके जो बाहरी छिलका होता है तो उससे क्या निकलता है, रस निकलता है ना। तो संतरा, संतरा का रासायनिक नाम क्या हो गया, रस। संतरे से क्या निकलता है, अपन ज़्यादातर रस ही तो पीते हैं, उसको जो छिलके को फेंक देंगे फिर उससे रस तो चूसते हैं। और जो आप कोई भी बाकी अमरूद देखिए तो उसको पूरा खाते हैं अपन, अमरूद हो गया और पूरा खा लेते हैं, आम हो गया छिलके फेंक देते हैं खा लेते हैं पूरा, मतलब संतरा, संतरा में क्या होता है, रस, ज़्यादा रस ही तो चूसते हैं अपन ज़्यादातर, है ना। कुछ लोग पूरा खा लेते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं। तो संतरा का रासायनिक नाम क्या हुआ, सिट्रस। आपको संतरे में क्या पकड़ना है, रस पकड़ना है, रस, तो सिट्रस। संतरा का रासायनिक नाम क्या हुआ, सिट्रस। अगर आप पेपर में आता है संतरा तो मतलब रस, संतरे में क्या होता है, रस होता है, तो संतरे का रासायनिक नाम सिट्रस हुआ। अगली और आखिरी ट्रिक क्या, अपनी जौ, जौ का रासायनिक नाम क्या है, हॉरडम बल्गर है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं कि हॉट, जौ, जौ, जौ को रिलेट करिए हॉट से। ठीक, जौ जो होता है वह क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अगर जौ का रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा, जौ मतलब हार्ड होगा, बहुत क्या होगा, कठोर होता है। ठीक है, कठोर होता है या हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है। ठीक, जौ क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, तो आपको याद आ जाएगा हॉर्डम, हार्ड से याद आ जाएगा हॉर्डम, हॉर्डम याद आ गया तो आपको ऑटोमेटिक हॉर्डम बल्गर याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। और आप लोगों को जो भी टॉपिक से आपको ट्रिक चाहिए प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसकी ट्रिक बना दूंगा। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लगा हुआ हो, तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय।